हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी पाठशाला। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने आईटीएफ चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। और देखो, हमने वहां पे क्या क्या सीखा था। पहले तो हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। अपन ने क्या देखा था, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। उसके बाद अपने ग्राफ्स के कुछ ग्राफ्स देखे ना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आई होप याद हो गई होगी ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि जब भी आप अगले लेक्चर में आए तो उनको स्पेशली याद करके आए ना, तो आपको वो चीजें याद हो गई होगी ना, याद हो गई होगी। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जाते जाते हमने कुछ एक सवाल किए थे डोमेन एंड रेंज पे, ठीक है ना। आज भी हम अपन सवाल करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के बारे में स्टार्ट करेंगे ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन 0 से 2 पाई। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने किसके, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, राइट है। देखो, हमने क्या किया ना, ये साइन में था तो इसको भी साइन में बदल दिया ना, तो ये आ जाएगा साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ कॉस थीटा को अपन साइन पाई बाई टू माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन अगर है तो अंदर वाली क्वांटिटी भी बराबर होगी। यहां से ये लिखा हुआ है टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पाई बाई टू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई फोर आ गया ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट पाई बाई फोर होता हो, और x कहां से कहां तक आएगा, 0 से 2 पाई के बीच में ही हो सकता है ना, उससे आगे नहीं होगा। तो पहला जो आंसर क्या आ गया, x बराबर पाई बाई फोर ही आ गया। देखो, पाई बाई फोर 1 से छोटा है, पाई होता है 3.14 समथिंग, 3.14 समथिंग डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन 1, देन फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज पाई बाई फोर, राइट है। अच्छा, हमें पता है कि यार अगर आप इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर पाई बाई फोर है, आप इसमें इंटीजर जोड़ते जाओ तो उसका आंसर भी कितना आएगा, पाई बाई फोर आएगा। तो अगला क्या मिल जाएगा मेरे को, x बराबर पाई बाई फोर प्लस 1। पहला x हमने पाई बाई फोर ही ले लिया, अगले के लिए एक जोड़ दिया, राइट है। देखो, ये भी 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। अच्छा, अगला क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर में 2 जोड़ देंगे, राइट है। अच्छा, अगला क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर में 3 जोड़ देंगे, राइट है। अगला आ जाएगा x में के लिए पाई बाई फोर में 4 जोड़ दिया, ये भी क्या है, 2 पाई से छोटा। देखो, 2 पाई कितना होता है, 6.28 समथिंग, 4 में 1 से छोटा नंबर जोड़ रहे हैं तो 6 से तो छोटा ही आएगा, राइट है। अच्छा, अगले के लिए क्या जाएगा, पाई बाई फोर प्लस 5, अगेन ये भी क्या है, 6 पाई, 2 पाई से छोटा है, दिस इज लेस देन 2 पाई, राइट है। अच्छा, अब अगला चेक करते हैं एक बार, x अगर मान लो 6 प्लस पाई बाई फोर हो गया तो ये मेरा कहां तक जा रहा है, 6.28 तक जा रहा है, पाई बाई फोर 0.75 से तो बड़ा होगा, तो ये लगभग लिखा हुआ है 6.75, तो ये वाली क्वांटिटी 2 पाई से क्या हो चुकी है, बड़ी, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2 पाई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे आंसर क्या हुआ है, पाई बाई फोर 1 प्लस पाई बाई फोर, 2 प्लस पाई बाई फोर, 3 प्लस पाई बाई फोर, 4 प्लस पाई बाई फोर एंड 5 प्लस पाई बाई फोर, राइट है, कर लेंगे। तो अपना आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन आ गया, कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड, देखो फाइंड साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2
माइनस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, ये निकालना आपने, ठीक है ना। देखो बेसिकली अपने को क्या करना है ना, अपने को साइन की वो वैल्यू निकालनी है, वो एंगल निकालना है जिसपे साइन का वैल्यू क्या होता हो, माइनस वन बाई रूट टू होता हो। कहां से कहां तक में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। देखो वन बाई रूट टू होता है पाई बाई फोर पे, तो माइनस वन बाई रूट टू कितने को जाएगा, माइनस पाई बाई फोर पे, राइट है। प्लस कॉस का वैल्यू वन बाई रूट टू कब होता है, पाई बाई फोर पे, तो माइनस वन बाई रूट टू कब हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई फोर पे, बोले तो थ्री पाई बाई फोर पे, दिस इज थ्री पाई बाई फोर। माइनस टेन का वैल्यू रूट थ्री कब होता है, पाई बाई थ्री पे, तो माइनस रूट थ्री कब होगा, माइनस पाई बाई थ्री पे, एज सिंपल एज दैट। प्लस अच्छा कॉट का वैल्यू वन बाई रूट थ्री कब होता है, पाई बाई थ्री पे, तो माइनस वन बाई रूट थ्री कब हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री पे, क्योंकि इसका रेंज जीरो से पाई के बीच में होता है ना, राइट है। तो ये हो जाएगा कितना, टू पाई बाई थ्री। तो ये निकाल लेते हैं, ये लिखा हुआ माइनस पाई बाई फोर प्लस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री, ये कितना बच गया, पाई बाई टू प्लस ये कितना लिखा हुआ है पाई, तो आंसर कितना हो गया, थ्री पाई बाई टू, राइट है, कर लेंगे, सिंपल है। अगला लिखो, फाइंड साइन ऑफ टेन इनवर्स टू। देखो ऐसे सवाल अगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आईटीएफ हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आईटीएफ हो, तो लेट आईटीएफ इज इक्वल टू थीटा। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आईटीएफ आ रहा है, तो उस आईटीएफ को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहां के लिए एंड अप्लाई ट्राइंगुलर मेथड, एंड अप्लाई ट्राइंगुलर मेथड। अब हमें ये सवाल आ रहा है दिमाग में कि व्हाट इज ट्राइंगल मेथड सर, ट्राइंगल मेथड क्या है, तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन सवाल से सीखते हैं ना, तो इधर कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था साइन ऑफ टेन इनवर्स टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि लेट थीटा बराबर टेन इनवर्स टू, अगर थीटा बराबर टेन इनवर्स टू है, तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी कि टेन थीटा बराबर टू रहा होगा, यस और नो, यस। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा। अरे टेन इनवर्स टू की जगह थीटा घटा दिया, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन साइन थीटा की। हमने टेंथ क्लास में सीखा था ये वाली चीज सबसे पहले, अगर ये एंगल थीटा है और अगर मेरे को टेन थीटा पता है, तो साइन थीटा ट्राइंगल से निकालते थे, तो टेन थीटा बोले तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना जाएगा, रूट ओवर फोर प्लस वन, बोल तो कितना आ गया, रूट फाइव। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस टू बाई रूट फाइव, राइट है। थीटा बराबर कितना हो गया, साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव, तो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा कितना आ गया, टू बाई रूट फाइव आ गया। हमें साइन थीटा ही तो निकालना था, तो आंसर कितना आ गया, टू बाई रूट फाइव, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, इसका वैल्यू निकालना ना अपने को। टीएफ के अंदर आईटीएफ, आईटीएफ को थीटा मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव बराबर थीटा, देयरफॉर साइन थीटा बराबर थ्री बाई फाइव, राइट है। देखो अगर साइन थीटा थ्री बाई फाइव है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, फोर बाई फाइव, निकाल लोगे आप, निकाल लो। तो ये क्या बना हुआ, ऊपर वाला क्या बना हुआ है, साइन ऑफ टू थीटा बना हुआ है, इसी का वैल्यू निकालना अपने को। ये टू है, ये थीटा है, तो साइन टू थीटा अपने को निकालना है, राइट है। तो साइन टू थीटा कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा
इनटू कॉस थीटा फार्मूला लगा दिया अपने साइन टू थीटा का, टू का वैल्यू टू, साइन थीटा कितना था 3/5 और कॉस थीटा कितना था 4/5, तो साइन टू थीटा बोले तो कितना आ गया, कितना आ गया 24/25 आ गया, आया कि नहीं आया, तो देयर फोर साइन ऑफ टू साइन इनवर्स 3/5 बराबर 24/25। पंडा क्या है आईटीएफ के, सॉरी टीएफ के अंदर आईटीएफ, लेट आईटीएफ बराबर थीटा, खत्म कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड कॉस ऑफ टू टेन इनवर्स टू प्लस साइन ऑफ टू टेन इनवर्स थ्री बराबर क्वेश्चन मार्क, ये अपने को निकाल लो, करते हैं सॉल्व, करें इसको, करते हैं। अब देखो इधर दो आ गए ना, तो एक को थीटा मान लेंगे और एक को फाई मान लेंगे, बहुत अच्छी बात। तो मैंने बोल लिया कि लेट टेन इनवर्स टू बराबर थीटा एंड टेन इनवर्स थ्री बराबर फाई, तो ये क्या लिखा हुआ बेसिकली कॉस टू थीटा प्लस, अच्छा ये अगर ऐसा माना है तो कितने बच्चों को समझ में आ चुका है कि टेन थीटा बराबर टू रहा होगा और टेन फाई बराबर थ्री रहा होगा, राइट है। मेरे को देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस टू थीटा प्लस साइन टू फाई, राइट है। देखो हमें टेन थीटा पता है और टेन फाई पता है, मेरे से कॉस टू थीटा और कॉस टू फाई पूछ लिया, तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, कॉस टू थीटा क्या होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ, टेन थीटा में कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा साइन टू टू फाइव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan² / 1 + tan² θ, राइट है। वैल्यू डाल देते हम, तो 1 - 2² / 1 + 2² + 2 × 3 / 1 + 3² राइट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ये लिखा हुआ है 1 - 4 बोले तो -3 अपॉन, ये कितना लिखा हुआ है 2² कितना हो गया 4 + 1 = 5 प्लस 6/10, तो -3/5 2 से काट दिया प्लस में 3/5, आंसर कितना आ गया 0 आ गया, आंसर इज 0। कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड पंडा ध्वन में आ गया, टीएफ के अंदर आईटीएफ, लेट आईटीएफ बराबर थीटा और फाई एज कन्वीनियंस, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो दो आ गए अंदर, एक को थीटा एक को फाई, तो लेट साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा बराबर 3/5, अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर 4/5, ये तो हम फिजिक्स में रटते भी हैं, अरे थीटा 3/5 है तो थीटा 37 डिग्री होता है, आपको रटा जाता है फिजिक्स में, कोई बात नहीं ना, हमें तो इससे मतलब है, थीटा से मतलब ही नहीं है। अगर कॉस इनवर्स 3/5 बराबर फाई है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा 3/5, तो साइन फाई कितना जाएगा बच्चों 4/5, राइट है, राइट है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन थीटा माइनस फाई की, यही है ना, थीटा बैठा दिया इसकी जगह और इसकी जगह फाई बैठा दिया, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस थीटा साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, cos फाई 3/5, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, माइनस साइन फाई बोले तो कितना है 4/5 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना है 4/5, ये आ गया 9/25 माइनस 16/25, आंसर इज -7/25, राइट है, सिंपल, वेरी सिंपल ना, चले आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखो फटाफट फटाफट करेंगे क्वेश्चन,
हमका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे क्वेश्चन लिखो, फाइंड टेन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स रूट 5/3 बराबर 3 बराबर है, तो निकालना है मेरे लिए उसका। करें आगे स्टार्ट, क्या करें बच्चों बोलो, क्या करा जाए, थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस, देखो एक काम करते हैं इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, इस बार मान के देखते देखो क्या होता है, नया कुछ नया ही सीखने को मिलेगा अपने को। कॉस इनवर्स रूट 5/3 1/2 बराबर थीटा मान लिया, मान लिया तो कितने बच्चों को ये दिख चुका है कि कॉस इनवर्स रूट 5/3 बराबर 2 थीटा रहा होगा, तो कॉस 2 थीटा बराबर रूट 5/3 रहा होगा। हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है टेन थीटा का, यही निकालना है। अच्छा कॉस 2 थीटा पता है, टेन थीटा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट है कि नहीं है, राइट है तो लगा देते हैं। तो कॉस 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 - tan² θ / 1 + tan² θ बराबर रूट 5/3, राइट है ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई खींच दिया, तो जैसे मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ले लूंगा तो ये आ जाएगा 3 - 3 tan² θ बराबर रूट 5 प्लस रूट 5 tan² θ। अरे राइट है कि नहीं है, इसको इधर उसको उधर, तो यहां से लिखा हुआ है 3 tan² θ प्लस रूट 5 tan² θ बराबर 3 - √5, राइट है कि नहीं है, राइट है बच्चों, राइट है। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो 3 + √5 बराबर 3 - √5, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 - √5/3 + √5, राइट है कि नहीं। देखो जब भी हमारे पास ऐसी फोटो बनती है तो हम क्या पसंद करते हैं, बोलो बोलो क्या पसंद करते हैं, रेशनलाइज करना, तो इसको रेशनलाइज कर दिया तो 3 - √5/3 - √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन जाएगा बच्चों tan² θ बराबर 3 - √5 का होल स्क्वायर। देखो नीचे लिखा हुआ है a + b (a - b), बोले तो क्या a² - b² a² - b² हो तो 4 बच गया क्या, देखो दिमाग लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 - √5 का स्क्वायर 5, तो 9 - 5 बोले तो क्या 4, तो यहां से मेरे पास tan थीटा आ गया आसानी से 3 - √5/2। क्लियर है, सही है। अच्छा सर आप बोलोगे नेगेटिव क्यों नहीं आया आंसर, अरे आपको पता है ना कि अगर y² = 4 है तो y का वैल्यू +-2 आता है, आपने सोचा अंडर रूट लिया है तो प्लस का ही क्यों लिखा, क्यों लिखा, देखो ये वाली क्वांटिटी cos इनवर्स रूट 5/3 पहले क्वाड्रेंट में आंसर देगा, ये बात शर्त है, अगर नेगेटिव होता तो दूसरे क्वाड्रेंट में आंसर आता, तो ये वाली क्वांटिटी पहले क्वाड्रेंट में डिवाइड बाई 2 कर दिया, पूरा कहां पे आ गया पहले क्वाड्रेंट में आ गया, तो टेन ने जो एंगल लिया वो कौन से क्वाड्रेंट का लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, राइट है, समझ में आया ना, अपन ने नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पहले क्वाड्रेंट में थी और टेन का अंदर वाला एंगल अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो एंगल हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है, कर लोगे ना, कर लोगे। क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़े से अपने लेवल को आगे बढ़ा के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखे लिखो, फाइंड साइन ऑफ टेन इनवर्स कॉस ऑफ कोट इनवर्स -1/√3, राइट है। देखो इसमें तो लफड़े वाली बात ही नहीं है, है ना, अब हमें क्या लग रहा है कि सर आपने बताया था, क्या बताया था मैंने,
टीएफ के अंदर आईटीएफ आएगा, या तो टीएफ के अंदर आईटीएफ है, फिर दोबारा उसके अंदर टीएफ है, फिर उसके अंदर आईटीएफ है, मल्टीपल टाइम्स आ रहा ना। तो देखो कुछ नहीं करना ना, अंदर से खोलेंगे इसको, अंदर से खोलते हुए आएंगे। इसमें तो जरूरत ही नहीं है। देखो कॉट का वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री कब होता है, अभी हमने एक सवाल किया था, टू पाई बाई थ्री आंसर आया था उसका, क्या आंसर आया था, टू पाई बाई थ्री। तो ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री, राइट है। कॉस टू पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस टू पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू की वन बाई टू, माइनस ऑफ वन बाई टू। कॉस का वैल्यू, अरे कॉस टू पाई बाई थ्री कितना होता है, माइनस वन बाई टू। तो ये लिखा हुआ बच्चों साइन ऑफ टेन इनवर्स माइनस हाफ, कर लेंगे अब इसको आगे सॉल्व। अब तो वही बन गया ना, टीएफ के अंदर आईटीएफ बन गया, थीटा मान लो और सॉल्व कर डालो, कर लो गया। अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, शो दैट, लिखो शो दैट कॉस ऑफ टेन इनवर्स के अंदर साइन कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा करके कुछ बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये अपने को प्रूफ करना है। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, वो तो अपने आप को डायरेक्ट, अपने को डायरेक्ट दिख गया था, अब डायरेक्ट नहीं दिख रहा ना कि आंसर क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स का। तो कोई बात नहीं, अंदर से स्टार्ट करके चलते हैं। मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, अंदर वाले आईटीएफ को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा एक्स है तो ये एक्स रहा होगा, ये वन रहा होगा, ये कितना आएगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। देखो ये वाली पूरी कहानी ये ऐसी लिखी हुई है, साइन थीटा। तो मेरे को बेसिकली किसकी डिमांड है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहां से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी बन जाएगी, कॉस ऑफ टेन इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। अब इसको फाइव मान लिया, इसको कितना मान लिया, फाइव मान लिया। तो लेट टेन इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर फाइव, तो देयर फोर टेन फाइव बराबर वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये एंगल पाई है और टेन पाई ये है, तो ये ऐसा कुछ रहा होगा, ये वाली क्वांटिटी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, टू आ जाएगा आंसर, राइट है। तो हमें डिमांड किसकी है, कॉस फाइव की, हमें डिमांड है बेटा कॉस फाइव की। तो कॉस फाइव, अगर टेन फाइव के हिसाब से ये ट्राइंगल मेथड लगाया अपन ने, तो इस वाले ट्राइंगल अगर हम कॉस फाइव देखू तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस खत्म हो गया, और ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, खत्म हो गया प्रूफ, हेंस सिद्ध, हेंस सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। चले क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, ठीक है ना। ये तो हमारे सिंपल सिंपल से बेसिक से सवाल थे, एनसीईआरटी में भी ऐसे भरे पड़े सवाल है ना। अब थोड़े जे लेवल पे चलते हैं अपना, क्वेश्चन लिखो, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना। या फिर कैसे भी पूछ सकता है ना, कोई बात नहीं, मैं सिंपल सा ले लिया, मुझे डर है इससे पूछा। देखो हमारे पास वेरिएबल कितने, दो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र जीवन में बहुत काम आएगा। ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है, ब्रह्मा जी क्या बोलता है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ अस्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, तो वह सवाल
बाउंडेशन से खत्म होगा, बाउंडेशन से खत्म होगा या इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से। ये बेटा बहुत काम की चीज है ना, अगर आपके सामने इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है तो 90% चांसेस में, 90% चांसेस में वह सवाल या तो उस फंक्शन की बाउंडनेस से खत्म होता है या नंबरों पे लगा हुआ है तो इवन ऑड पे, इंटीजरों पे लगा हुआ तो इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से खत्म होगा। इवन ऑड वाली चीजें अपन नंबर सिस्टम में जब अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह ये चीज सिखाई जाती है, इस पे बहुत सवाल कराए जाते हैं। अभी अपन इस पे फोकस करते हैं ना, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 0 है, राइट है। हमें पता है ये क्वांटिटी कुछ भी हो इस क्वांटिटी का वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होगा, राइट है कि नहीं है। अरे ये x कुछ भी हो 0 से पाई के बीच में ही आंसर दे सकता है ये। सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी भी 0 से पाई के बीच में ही होने वाली है। अब कोई भी क्वांटिटी को मैं अगर जोड़ रहा हूं, कोई भी क्वांटिटी है वो 0 से पाई के बीच में है और दूसरी क्वांटिटी भी 0 से पाई के बीच में है और उन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0 हो। अरे तभी ऐसा हो सकता है ना, हमने हाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर में ये देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हो आंसर 0 आ रहा है, तो दोनों ही 0 हो सकते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दोनों पे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स x 0 एंड cos इनवर्स y भी 0। अच्छा cos का वैल्यू 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे, कब होता है पाई बाई 2 पे, तो x का वैल्यू कितना आ गया पाई बाई 2 और y का वैल्यू भी कितना आ गया पाई बाई 2। नहीं नहीं गलत गलती 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 मिस्टेक, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि cos 0 x क्या बेसिकली cos 0, गलती लिखी है गलत। देखो cos इनवर्स x बराबर 0 ना, ये ऐसी गलती नहीं करनी ना, ये गलती तो हमने जान के की थी है ना, ऐसी गलती नहीं करनी ना। इसका मतलब क्या है cos इनवर्स 0 x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया cos 0 हो गया, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ऐसा नीचता वाला काम हमें नहीं करना है जो भी हमने किया था, सही है, तो कर लेंगे। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 हुए तो 2 आ गया, कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो है ना, सेम सेम से सवाल दे रहा हूँ मैं आपको है ना, ऐसे ही एक तो सवाल कर देता हूँ उससे भी डर निकल जाएगा। अच्छा ये तो कोई बात ही नहीं थी सवाल में, सवाल देखो कैसा आता है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, है ना। देखो ये वाली क्वांटिटी 0 से पाई, ये वाली क्वांटिटी 0 से पाई, ये वाली क्वांटिटी 0 से पाई, आंसर 3 पाई, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पाई होंगे। अरे तीनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू अगर अटेन करेंगे तभी तो वो मैक्सिमम ला पाएंगे, अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें पता लग गया कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जब cos इनवर्स x भी पाई हो, cos इनवर्स y पाई एंड cos इनवर्स z भी कितना होगा पाई होगा। तो cos पाई x क्या है बेसिकली cos पाई बोले तो -1, y कितना होगा -1 और z भी कितना होगा -1, तो देयरफोर x प्लस y प्लस z कितना हो गया बच्चों -3 हो गया ना, कर लेंगे कर लेना बेटा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप फिर से करके ले आना उसको, मतलब कर लेना उसको कुछ से, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। क्वेश्चन है
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर 3π/2 फाइंड एक्स की पावर 101 प्लस वाई की पावर 101 प्लस जेड की पावर 101 ये निकालना है। कर लोगे? कर लो। आगे बढ़ते हैं। चले आगे। हाँ। क्वेश्चन लिखो। लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स लॉग 3 बेस 3 एक्स वाई 3 है ना। ऑप्शन दिए हुए ना सुनो। ए ऑप्शन है 1 से 9, बी ऑप्शन है -1 से 9, सी ऑप्शन है बच्चों -9 से 1 और डी है आपके सामने -9 से -1। इसका डोमेन निकालना है ना साइन इनवर्स इस वाले में। हमें डोमेन निकालना है किसका? साइन इनवर्स लॉग 3x/3 इसका डोमेन निकालना है। देखो पहली चीज तो लॉग भी डिफाइन होना चाहिए और साइन इनवर्स भी डिफाइन होना चाहिए। तो पहले हमने लॉग को डिफाइन कर दिया तो एक्स बाई थ्री जीरो से बड़ा होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 3 जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। ये तो लॉग डिफाइन हो गया ना। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर ये आ गया। अरे सेवन में नहीं आया क्या? अगर यही सवाल पेपर में आएगा तो मैं आगे सवाल क्यों करूंगा? अरे लॉग नेगेटिव होते लॉग मना कर देगा ना यार। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। आंसर तो ये आ गया ना फटाफट से, विद इन 10 सेकंड आ गया आंसर, राइट। अब तरीका दिखा देते हैं एक बार, इसको पूरा निकाल देते ना। तो ये आ गया पहली चीज। तो अच्छा दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? साइन के साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी माइनस वन से वन के बीच में ही होगी। तो लॉग 3 एक्स बाई 3 माइनस वन से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, राइट है, है ना। अच्छा एंटी लॉग ले लिया, पावर में चढ़ा दिया इसको, पावर में चढ़ा दिया। तो यहां से कितना आ जाएगा? एक्स बाई 3 का जो वैल्यू होगा वो 3 की पावर 1 से छोटा होगा और 3 की पावर माइनस 1 से बड़ा होगा, राइट है। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 9 आ गया और x का वैल्यू यहां बना गया, ये 1/3 लिखा हुआ बच्चों, 1/3 माइनस 3 नहीं है, 1/3। और 1/3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बच जाएगा और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बच जाएगा। तो आंसर इसके आ गया 1 से 9, ऑप्शन ए, वो तो हमने पहले ही बोल दिया था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार लगा लिया बड़ा स्टार। लिखो द रेंज ऑफ फंक्शन, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है ना। ए ऑप्शन है हमारे पास π/2 से पाई क्लोज, बी 0 क्लोज से पाई क्लोज, सी 0 क्लोज से π/2 क्लोज और डी π/2 क्लोज से पाई ओपन, ये दिया हुआ है, ये दिया है ना। देखो मैंने क्या किया, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, विशेष जीआई है, मैंने केस बनाया ना। केस पहला क्या बोला कि मैंने पहले बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। एक्स अगर क्या है? इंटीजर। तो एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स करके लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा एक्स अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स ही होगा। अगर एक्स इंटीजर है तो ये माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। तो एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स जीरो। तो एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है बच्चों? पाई बाई टू आ रहा है, कितना आ रहा है? पाई बाई टू आ रहा है।
अगर x इंटीजर है तो आंसर कितना आ रहा है, पाई बाई टू आ रहा है ना। अगर x इंटीजर होता है तो ग्रिड से इंटीजर माइनस थ्री कितना होगा, माइनस थ्री। तो जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है माइनस एक्स लिखी हुई है तो माइनस एक्स ही बाहर आ गया, राइट। अच्छा दूसरा केस ले लेते हैं, अगर x इंटीजर नहीं है, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो अगर x इंटीजर नहीं है तो हमारी नजर इस पे गड़ी हुई है, है ना, इस पे गड़ी हुई है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर x इंटीजर नहीं है तो ये वाली क्वांटिटी कैसे लिखी होती है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन। जैसे माइनस 3.14 ले लिया एक बार को, माइनस ऑफ 3.14 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर माइनस 4 आएगा ना। तो इसके पॉजिटिव का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका नेगेटिव और माइनस वन करके आता है आंसर, सही है, सही। तो ये लिखा हो बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा करके लिखा हुआ है कुछ, ऐसा करके लिखा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है, सही है ना, सही। तो ये लिखा हुआ बच्चों, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर है, अरे इंटीजर है ना, और इंटीजर नहीं है तो जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो तो नहीं होगा। तो ये वाली क्वांटिटी माइनस वन तो नहीं हो सकती ना, तो पाई आंसर हमारा नहीं आएगा। देखो अब ये वाली जो क्वांटिटी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस वन, ये जीरो से तो छोटा होगा। तो देखो ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी होगी, वन होगी, तो वन माइनस वन जीरो से छोटा आएगा और माइनस वन से बड़ा आएगा, सही है कि नहीं है। ये वाली जो क्वांटिटी है वो जीरो से छोटी है और माइनस वन से क्या है, बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो वन तक होता है, तो वन माइनस जीरो जीरो तक होगा, ये कब तक होगा, माइनस वन तक होगा, क्योंकि ये जीरो एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंटीजर वाला केस हमने अलग ही ले लिया ना, राइट है। जो कॉस के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर जीरो से माइनस वन के बीच का नंबर गया है, तो वो आउटपुट कहां से कहां तक का देगा, कहां से कहां तक का देगा, कॉस इनवर्स ले लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन जो होगा वो पाई से पाई बाई टू ओपन तक होगा, राइट है। तो कहने का मतलब इसका जो रेंज आ रहा है वो पाई बाई टू से पाई आ रहा है, इस वाले पार्ट का रेंज कितना आ रहा है, पाई बाई टू से पाई, और पाई बाई टू यहाँ पे आया था, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू क्लोज से पाई ओपन भी आ गया ना, वन में आया ना, देखो ये तो वन में आ गया होगा आपको। इसको मैं एक और बार समझा देता हूँ, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, क्लियर है। ये अपन ने फंक्शन में अच्छी तरह पढ़ा है ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना, फंक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलस में बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, पूरी कैलकुलस में, और ट्वेल्थ पूरी भरी हुई है ना कैलकुलस से, है ना, पूरी भरी हुई है कैलकुलस से। अगर मैं ट्वेल्थ में से वेक्टर 3D हटा दूं, प्रोबेबिलिटी हटा दूं, बाकी सारा पार्ट कैलकुलस, तो फंक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बात क्लियर है ना। इस चीज को ऐसा लिख दिया, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस gref ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो ये वाली क्वांटिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 है नहीं, 1 तक है, तो 1 पे ओपन माइनस 1, तो 0 पे ओपन मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकती है, पर हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर वाला पार्ट हमने अलग ले रखा है, तो मिनिमम कितना हो गया माइनस 1। तो अगर cos इनवर्स के अंदर 0 से माइनस 1 के बीच का नंबर गया है तो आउटपुट ये है, आंसर आ गया, कर लेंगे। अब हेडिंग लगाओ ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है असली, प्रॉपर्टी वन। देखो प्रॉपर्टी वन में क्या है, बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आईटीएफ आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर क्या आ जाएगा, आईटीएफ, तो करते हैं। तो पहला है हमारे पास वाई बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट है, राइट।
देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा एक्स आएगा ना। अगर टीएफ के अंदर आईटीएफ आ जाए कोई सा भी हो आंसर हमेशा क्या आएगा एक्स आएगा। अच्छा आंसर क्या आएगा वाई बराबर एक्स। मेरे को एक बात बताओ एक्स का वैल्यू क्या माइनस वन से वन के बीच का नंबर होगा कि नहीं होगा? ये कैसे आया है वो भी मैं आपके लिए प्रूफ कर सकता हूँ। देखो कैसे मैंने क्या मान लिया लेट साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए राइट है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों साइन थीटा। हमें वाई क्या है बेसिकली साइन थीटा ही तो है। देखो इसकी जगह थीटा बैठा दिया वाई बराबर क्या बन गया साइन थीटा बन गया। तो वाई बराबर साइन थीटा और साइन थीटा की जगह एक्स रख दिया तो वाई बराबर एक्स आ गया है ना। अच्छा देखो इधर देखो अगर x का वैल्यू अगर क्या x का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच का ही होगा गारंटी इस बात की होगी साइन इनवर्स के अंदर बैठा हुआ हो और y बराबर x भी है तो y का वैल्यू भी जो होगा वो माइनस वन से वन के बीच का होगा कि नहीं होगा बोलो सही है सही है। ग्राफ बनाते हैं इसका। पहली बात तो हमारा डोमेन क्या है माइनस वन से वन के बीच का नंबर तो माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ आएगा और जो ग्राफ है वो क्या है बेसिकली वाई बराबर एक्स ग्राफ इज वाई बराबर एक्स। तो क्या ये ग्राफ है कि नहीं है सही है क्या? दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कर लेंगे कर लेंगे। अगला है अच्छा पीरियोडिक है क्या? नहीं है ये पीरियोडिक। अरे स्ट्रेट लाइन है वाई बराबर एम एक्स एक्स स्ट्रेट लाइन है लीनियर इक्वेशन पीरियोडिक नहीं है। चलेगा कि अगला लिखो वाई बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अगेन इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों एक्स आएगा। यहाँ पे भी देखो x का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच का नंबर होगा अगर x माइनस वन से वन के बीच में है तो y माइनस वन से वन के बीच में होगा कि नहीं होगा होगा। ग्राफ क्या सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा बच्चों बिल्कुल सेम आएगा। दिस इज माइनस वन एंड दिस इज वन राइट है कि नहीं है राइट है। अगला ये सेकेंड था थर्ड y बराबर टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये भी आंसर कितना आएगा x। अच्छा यहाँ पे x belongs to r है तो y बराबर क्या हो जाएगा r। तो अब के जो ग्राफ आएगा वो y बराबर x आ जाएगा r के लिए r के लिए y बराबर x आ जाएगा r के लिए। तो पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके साइन इनवर्स वाले में और कॉस इनवर्स वाले में इसका पार्ट आ रहा था माइनस वन से वन के बीच का ठीक है। अच्छा कॉट इनवर्स में ये भी आप पीरियडिक है और ये भी अपीरियोडिक राइट है। अच्छा थर्ड देखो थर्ड थर्ड तो हो गया फोर्थ देखो फोर्थ वाई बराबर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये भी एक्स आएगा। प्रूफ करने का तरीका वही है इसको थीटा मान लेंगे। देखो टीएफ के अंदर आईटीएफ आईटीएफ को थीटा मान लेते हैं हम ब्रह्मास्त्र ठीक है ना। अच्छा एक्स बिलोंग्स टू आर है y belongs to क्या होगा r होगा तो अगेन y बराबर x आ जाएगा फॉर r क्लियर है। अच्छा देखो अगला देखो y बराबर sec of sec inverse x। हमें पता है कि x का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होता है एंड x का वैल्यू या और x का वैल्यू माइनस 1 से छोटा होता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा x आएगा। तो y का वैल्यू भी 1 से बड़ा आएगा और y का वैल्यू माइनस 1 से छोटा आएगा। तो कहने का मतलब जो हमें y बराबर x का जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा दिस इज 1 माइनस 2 ऐसा मिलेगा ना। इसके बीच में ग्राफ ही नहीं आएगा क्योंकि डोमेन में ही नहीं है वो। इसके बीच का ग्राफ हमने उड़ा दिया राइट है। अच्छा सिक्स देखो y बराबर cos x cos x cos x इनवर्स x। अगेन आंसर तो क्या आने वाला है x। इसके लिए भी x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है या माइनस 1 से छोटा। तो y का वैल्यू या 1 से बड़ा होगा या y का वैल्यू माइनस 1 से क्या होगा छोटा
अगेन देखो यही वाला ग्राफ आ जाएगा, दिस इज माइनस वन माइनस वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन, सही है सही है। देखो अब ना ये चीज पे अपने को ध्यान से रखनी है ना कि इसके लिए ये वाला ग्राफ मिलता ही नहीं है, तो इनके बीच की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि एक सवाल आया था किसी जमाने में, देखो क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर sec ऑफ sec इनवर्स एक्स, ये था। बच्चों को पता है कि सर ये भी x है ये भी x है, आंसर आ गया x belongs to R, गलत है बेटा गलत है। इसके लिए जो x आया है वो माइनस वन से बड़ा है और वन से छोटा है, और इसके लिए जो x आया वो वन से बड़ा है और माइनस वन से छोटा है, तो ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब x का वैल्यू वन होगा या माइनस वन होगा, वन होगा या माइनस वन होगा, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो आंसर क्या है, प्लस माइनस वन, है ना। ग्राफ बना सकता हूं मैं इस तरह से, मान लो सेकंड वर्स एक्स का जो ग्राफ सेक ऑफ सेकंड वर्स एक्स का ये है, है ना, और उसका क्या होगा, देखो ये तो इसका ग्राफ है ना, और साइन वाले का ग्राफ ऐसा होगा, ये यहां पे आ जाएगा ऐसा, तो दोनों आपस में बराबर सिर्फ इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है, अंदर बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन, कर लेंगे बच्चे। बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी वन खत्म हो चुकी है, अगर डीएफ के अंदर आईटीएफ है आंसर एक्स आता है, बस हमें इसके डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉपर्टी सेकंड पे बात करेंगे, और प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या आईटीएफ के अंदर की है, बोले तो कैसी फोटो, साइन इनवर्स साइन एक्स वाली, cos इनवर्स cos x वाली, tan इनवर्स tan x वाली, cot इनवर्स cot x वाली, और cosec sec इनवर्स sec x वाली, और cosec इनवर्स cosec वाली cosec x वाली। बच्चा अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं भी मार्क खाता है ना, तो वो इस जगह खाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ्स छह ग्राफ हो रहे हैं आपके सामने, इसके बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है ना, वही बाय थ्री गेट थ्री फ्री वाला कॉन्सेप्ट है। बोलेगा पीटर ठीक है, जब तक के लिए आप पढ़ते रहे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करें, सारे डाउट्स और जो भी आपका कम स्टडी मटेरियल है वो वहीं पे आपको दिया जाएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतने काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। जो सवाल कराए हैं वो घर पे जाके एक बार अपने आप करो सारे, ठीक है ना, होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।